Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page, and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures, and much more. सरासी भी खुशी मिल जाए मिलके बांट लेंगे चलम भी रात आ जाए तो वो भी काट लेंगे रिश्ते जुड़े हैं जो दिलों के यूं ही रहेंगे रिश्ते जुड़े हैं जो दिलों के यूं ही रहेंगे साथ तू जो चले रेशम का दीगी हुसना ओ हुसना रानी रेशम का दीगी हुसना बोलो उसना क्या बात है ये लो पकड़ो अरे तुम्हें पता है अब उससे नहीं होगा ये यार हैदर अब फासले मिटाने के लिए पहला कदम तो उठाना होगा ना है उसना ये फलसफे जानना ना बहुत आसान है तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे अब्बू का मिजाज कैसा मैं है मैं सब जानती हूँ लेकिन तुम मेरी बात मानो आज फादर्स डे है अगर तुम उनको ये गिफ्ट दोगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे नहीं यार नहीं होगा मुझसे हैदर तुम्हें जाना होगा और ये देना होगा ओके Bye. अबा वो कुछ बात करनी थी हाँ बेटा बोलो अब्बा जी सामने बैठे अगर अकेले में बात करनी है तो मैं चली जाती हूँ ये ठीक है नहीं नहीं बैठी रहे तो तुम बैठी रहो अबे यार क्या हो गया इन लोगों को कैसा खेलते हैं अबू हाँ क्या बात है अबू वो आज फादर्स डे है तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया था अरे वाह उसना क्या बात है क्या खूबसूरत तोहफा दिया तुमने फादर्स डे पे अपने बाप को भाई दिल खुश कर दिया जीती रहो क्या नाम है तुम्हारा गौसिया देखो कितनी प्यारी घड़ी दी है हाँ हाँ बस ठीक है वैसे मदर्स डे भी तो आता है मुझे तो आज तक कोई चीज देने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें वो दरअसल बस 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 ज्यादा सफाइयां पेश करने की जरूरत जानती हूँ सोतेली हूँ ना तुम लोगों की फर्क तो करोगे ही ना जाहिर ये फादर डे मदर डे फलाना डे धमाका डे यहाँ ये सब अंग्रेजों की इजाद है हमारे यहाँ तो हर दिन माँ बाप का दिन होता है पूरे साल उनकी खिदमत करो उनकी इताअत करो उनकी फरमाबरदारी करो उनसे दुआएं लो लेकिन तुम नौजवान नस्ल को क्या हो गया किन चक्करों में पड़ गए हो अपनी जिंदगी का असल मकसद ही भूल चुके हो अबू हर कोई मनाता है ये आम सी बात है अहमकों वाली बातें मुझसे मत किया करो अब सब लोग अगर कुएं में छलांग लगा रहे हो तू भी जाके लगा देगा बेवकूफ क्या हुआ घड़ी दी बातें सुना दी ना तुम अच्छी तरह जानती हो कि यार मेरे अब्बू किसी भी कोशिश को अप्रिशिएट नहीं करते अच्छा चलो अब तुम दिल छोटा तो मत करो तुमने जो किया वो तो ठीक किया ना उसने सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है मुझे पता था कि आगे से यही जवाब आना अच्छा हैदर छोड़ो भी अच्छा सुनो मेरा ये फोटोकॉपी वाला काम तो करवा दो प्लीज पैसे भी हैं अच्छा बाबा ये लो क्या फोटोकॉपी कराने हैदराबाद चले गए थे इतनी देर लगा दी कल पेपर है मेरा हैदर मुझे पढ़ना है सीरियसली
सारी दुकानें बंद थी उसना जी, सिर्फ एक दुकान खुली थी और उस दुकान पे इतना रश था, इतना रश था, शुक्र करो हो गई है। अच्छा सब करवा लिया ना, कुछ है तो नहीं गया? नोट्स की पड़ी है, इंसान झूठे मुझे शुक्रिया ही बोल देता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे नोट्स फोटोकॉपी करवा दी, आपका ये साल मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। ठीक है, खुश, बाय। हुस्ना, हाँ वो बकाया पैसे तो ले दी जाओ। तुम 100 रुपए में से भी पैसे बचा लाए, वाह। अच्छा सुनो यार, अब क्या है? नब्बा की बात दिल पे मत ले, होता है यार, पार्ट ऑफ लाइफ, इजी रहो। ठीक है, ओके, अब तुम जाओ, बाय बाय। क्या मसला है तुम्हारा, गाना क्यों बंद कर दिया? पढ़ना है मुझे आपा, कल पेपर है मेरा। हाँ तो तुम मुझसे दरखास्त भी तो कर सकती थी कि शहर बानो आपा गाना बंद कर दीजिए, मुझे पढ़ना है। ये जहालत दिखाने की क्या जरूरत थी? आपा मेरा टाइम वेस्ट ना करें, जो बहुत सारा पढ़ना है। और हाँ प्लीज, ये ऑन नहीं होगा, ठीक है? दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। क्या है? मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। अब क्यों डिस्टर्ब हो रही हो? अब तो मैंने गाने भी नहीं लगाए। आपसे नहीं, ये बाहर बंटी कितना शोर कर रहा है, इसको जाके मना करें, मुझे पढ़ना है भाई। हाँ अच्छा, इसको मैं जाके अभी ठीक करती हूँ। अच्छा सुने, जरा प्यार से चुप करके पढ़ाई करो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं जाके आज पूछती हूँ जरा। अबे ओ बेहिस इंसान, अंदर उसना पढ़ रही है और तुझे ये गेंद बल्ला खेलने की पड़ी है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें क्या तकलीफ है? बताओ बताओ तुझे मुझे क्या तकलीफ है? इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम लोगों के अंदर? कल मेरी बहन का इम्तिहान है, चल फूट यहाँ से, चल। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि उसने मेरे साथ क्रिकेट खेले, अकेला खेल रहा हूँ, लाओ मेरा बैट वापस करो। ऐसा झोपड़ दूंगी ना कि चारों तबक तेरे रोशन हो जाएंगे। आया बड़ा शाहिद अफरीदी बनने, पैर चाहिए इनको। तुझे तो मैं ये बॉल भी नहीं दूंगी, चल निकल घर को, निकल चल। अच्छा तो ये आवाज है, अम्मा देखो शर्मानो ने मेरे कान मोड़े। अभी रुको तुम, अम्मा शर्मानो मेरे बाल नोच रही है, अब तुम्हें पता चलेगा। अम्मा अम्मा, ला ला ला, डेढ़ छुटांग का बच्चा हो, कितना मकार है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। ये तो पूरे 100 रुपए हैं, मतलब हैदर ने आज फिर पैसे नहीं दिए, इसको तो मैं बाद में पूछूंगा। बंटी, शर्मानो ने मुझे मारा। क्यों मारा? मैं खेल रहा था, मैं खेल ही नहीं रही। ओ हेलो, एक नंबर के झूठे, मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ खेलने से मना किया था। नहीं अम्मा, इसने मुझे मारा है। बंटी कभी झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा दुनिया का झूठ तो ये है कि बंटी कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता। तुमने खेलने से क्यों रोका इसे? हुस्ना का इम्तिहान है, वो पढ़ाई कर रही है और ये बैट बॉल खेले जा रहा है मेरे मना करने के बावजूद। समझा ले इसको वरना सच में पिटाई लगा दूंगी इसकी। अरे वाह, ऐसे कैसे पिटाई लगा दोगी? शहर बानो, तुझे कितनी बार मना किया है मैंने, जवान भाई पे हाथ मत उठाया कर। अब्बा आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे याद है आपका जब ये नमूना पैदा होने वाला था ना, तो आपकी बेगम साहिबा 24 घंटे टीवी के आगे बैठ के सियासतदानों की बातें सुनती रहती थी। हाँ तो ये कि सियासतदान तो आवाम से झूठ बोलते हैं और उनको देख देख कर अपने एक झूठा बच्चा पैदा किया है। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं इसकी बदतमीजियां, मैं बता रही हूँ आपको, इसकी जबान बंद कर दे वरना मेरी शुगर हाई हो जाएगी। एक सेकंड, ओ शहर बानो अपनी जुबान को लगाम दे, देख तो ले किसके सामने बात कर रही है, माँ है तेरी? माँ नहीं, सौतेली माँ है मेरी। और हमने तुम्हें सारी जिंदगी फिल्मों में यही देखा है कि जो सौतेली माए होती है ना, एक नंबर की डायन होती है। देख लो इसको, मैंने अपनी सारी जिंदगी इन कमबख्तों की खिदमत में लगा दी और
ये सिला मिल रहा है मुझे, रही मैं वही सौतेली की सौतेली। या अल्लाह या अल्लाह, तू मेरा इंसाफ करने वाला है? तू ही बेहतर जानता है ये क्या बकवास कर रही है। हाँ अब्बा, पीछे ना चले जाना, सारी जिंदगी उसकी बातें सुनते रहना। मेरा मसला तो वहीं का वहीं रह गया। हाँ तो मसले का हल निकाल ले, चल जा बाहर जाके खेल ले, क्या नाम है तेरा बंटी, जा। हाँ हाँ जा रहा हूँ, बाहर खेल ले जा। हाँ तो जा ना। लो, रेशम गली में खास फादर्स डे होगा, यहाँ सिर्फ बैटल डे होगा, बैटल डे। क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। हैदर भाई को देखे कैसे देख रहे हैं? कहाँ? वो वहाँ। इशारा तो मत करो, कोई देख लेगा। कोई देख लेगा तो क्या? तुम्हें रेशम गली का नहीं पता? दो मिनट में स्कैंडल बना देंगे। इससे हैदर भाई जिस तरीके से आपको देखते हैं ना, स्कैंडल तो बनेगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अच्छा ना, सॉरी हुस्ना बाजी, मुझे ऐसे लगता हैदर भाई आप में इंटरेस्टेड है। फॉर्मर की बच्ची, ऐसी बातें मत किया करो, चुप करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे कौन है जो मेरे घर का दरवाजा पीट रहा है? क्या है? हैदर को बुला दे। क्या काम है? उससे काम है, उसी को बताऊंगा। अच्छा, मुझे नहीं बताओगे? मैं हर किसी से ज्यादा बात नहीं करता। बिल्कुल बना बनाया अपनी माँ की तरह है, और मिजाज भी बिल्कुल वैसा ही। किसी ने पूछा है आपसे? आप जाएं हैदर को बुलाएं। नहीं, ये तुम उसको हैदर क्यों बोलते हो? वो तुमसे बहुत बड़ा है, हैदर भाई बोला करो। जब उसको कोई तकलीफ नहीं है तो आपको क्या मसला है? है मसला, माँ हूँ उसकी मैं। देखिए आंटी, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अम्मा और आपका जो भी फटना है ना, वो अपने तक रखें, मुझ तक ना लाएं, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहले बहुत टेंशन है और मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो जी, बी मेंढकी को भी जुकाम हो गया है। खड़े रहो। आपा, वैसे आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक सेकेंड, तुमने ही मुझे कहा था कि जाके बंटी को रोको, पार्टी मत बदलो। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि जरा प्यार से समझाना। तुम्हें पता है ना, बंटी की मिसाल एक कुत्ते के दुम जैसी है, 100 साल भी नलकी में रखो तो वो सीधी नहीं होगी कभी भी, प्यार से तो वो मानने वाला है नहीं। मेरी बात तो मान लेता है ना बहन? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने सौतेले भाइयों को जाके ममता दिखाऊं। तुम ही हो ऐसी, मेरा बस चले ना तो इन सबको लाइन में खड़ा करके ना गोली मारूं, गोली। सफिया खाला की कॉल है। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सफिया खाला दिल को दिल से रहा होती है, मुझे पता था कि आप कराची आ रही हैं। तो फिर आप कब आ रही हैं, कहाँ ठहरेंगी? अच्छा, तो आप हमारे पास आ रही हैं। ठीक है खाला, फिर हम इंतजार करेंगे। ओके, लाफ़ सफिया खाला। खाला कराची आ रही है? अरे वाह, लेकिन इसी घर आ रही है, अम्मा पता नहीं क्या कहेंगी। बड़ा मजा आने वाला है। हैदर, हैदर। जी अम्मी। उसको आवाज नहीं आती है। क्या हो गया अम्मी, क्या हुआ? वो आया है सामने वालों का टिड्डा बुलाने तुम्हें। कौन? बंटी? बहुत मुंह लगा के रखा हुआ है तुमने, जरा दूर रहा करो उससे। अम्मी छोटा बच्चा है वो। जिसे तुम बच्चा समझ रहे हो ना, उन लोगों में बिल्कुल वफा नहीं है। अच्छा मैं जाके देखता हूँ क्या। ना भाई ना, साफ मना कर दें उसे, अपने घर के खर्चे पूरे हो नहीं रहे, मेहमान नवाजियां कहां से करेंगे हम? देखो क्या नाम है तुम्हारा, गौसिया? ये जो मेहमान होते हैं ना, मेहमान ये अल्लाह की रहमत होते हैं, है ना भाई, होते हैं ना। आप तो चुपी रहे, सफिया जैसे मेहमान ना बबाले जान हो। अब किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कि जब जब वो औरत इस घर में आई है ना, फसाद का बीज बो कर गई। अम्मा
मसला पैसों का है या सफी खाला के मिजाज का, पहले ये फैसला कर लें। सगे सौतेले का मसला है बहन। अब आप तो चुप ही रहे। दोनों ही मसले हैं। अव्वल तो हमारा बजट इतना नहीं है कि हम मेहमानदारियां करें, और अगर बिलफर्स हम उधार लेकर अपना पेट काट कर कर्ज अपनों पर चढ़ा कर ये सब कर भी लें तो जिस किस्म की बेमुरव्वत औरत ये सफिया है ना, बाद में अफसोस ही होगा कि हमने इतनी कुर्बानी दी की। देखो अब वो आ रही है तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना? हम क्यों करें भाई, उस लड़के को कंपनी रिहायश दे रही है ना, तो जाए जाके वहां रहे। हमारे सीने पे मूंग दलने क्यों आ रही है, हमने ठेका ले रखा है उसका। मानो ना मानो बहन, अपने पराये का चक्कर है सारा। अबे बंटी भाई, मैं काम कर रहा हूँ, उस वक्त क्रिकेट खेलने आ गया, बाद में खेलेंगे चल। हाँ हाँ कर लेना काम, तुम कौन सा बिल गेट्स हो, चलो आओ क्रिकेट खेले। और हाँ, आज तुम मुझे बॉलिंग कराओगे। ओहो, मैं बॉलिंग कराऊंगा? क्यों भाई, किस खुशी में है? देख पहले टॉस होगा, जो टॉस जीतेगा पहली बैटिंग उसकी। इतने बड़े होगी भी रोना धोना खत्म नहीं हुआ, बच्चे से क्या मुकाबला कर रहे हो, दे दो ना मुझे पहली बैटिंग। बहुत चालाक है बंटी, शरीफ लोगों का गुजारा नहीं इस दुनिया में। चल खेलते आ जा, बुला लो उसे यहाँ और रखो शॉप से। लेकिन मैं एक बात साफ साफ बता रही हूँ, मैं किसी के सामने दस्तरखान नहीं लगाऊंगी, मैंने पूरे खानदान की गुलामियां नहीं लिखवा ली। रखो उसे यहाँ पे खुद और खुद कर लेना सारे काम। अम्मा लेकिन कुछ ही दिनों की तो बात है सिर्फ। एक दिन भी नहीं, और जो ये शहरबानो बोली है ना, इसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। सारी उम्र तुम लोगों की खिदमतों में मैंने निकाल, लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला, तुम ही लोग मुझे सौतेली होने का जूता मारते हो। अबे यार मास्टर साहब का हिजाब फिर से तोड़ दिया। अबे बंटी, अबे अबे बंटी क्या कर दिया यार। बाजी सुनो बाजी, मैंने ना मास्टर साहब की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। बंटी तुम्हारा दिमाग ठीक है, फिर से तोड़ दिया? फिर से क्या मतलब, पिछली बार तो खाला गुमसलाई का दौरा था, इस बार तो मास्टर साहब का टूट गया। तुमसे कितनी बार कहे बंटी, देख के खेला करो। अब देख के क्या खेला करो, इसीलिए कहा था ये घर में खेलने दो। अच्छा सुनो मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर मास्टर साहब आए तो उनसे कह देना बंटी सो रहा है। बंटी बंटी लो, अब रेशम गली में एक और फड्डा। हजर तुम, मियां कितनी दफा तुम्हें कहा है कि यहाँ क्रिकेट मत खेला करो, तोड़ दिया ना शीशा फिर। ओ मैं मास्टर साहब बत... देखो हौसला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सफिया को खुद से ही मना कर दो कि वो ना आए? है? अब्बा अच्छा नहीं लगेगा, मैं कह चुकी हूँ उनको। बुरा मत मनाइएगा अब्बा, इस सौतेली माँ के चक्कर में ना हम अपनी सगी खाला को नहीं मिलते। अबे तुझे दसियों दफा मना किया है, ये सौतेली का लफ्ज बार बार इस्तेमाल मत किया करो, और वैसे भी तुम गौसे के सामने सौतेली सौतेली करती रहती हो। देखो अब्बा मैं तो हक बात बोलती हूँ, अब चाहे जिसको मर्जी मिर्चे लगे, और आप ना ज्यादा उसकी साइड मत लिया करें। पर पीवी है वो मेरी। ओहो वही तो सगी है आपकी, हम दोनों को तो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया था ना। अरे बस बस, हर वक्त फजूल बातें मत किया करो। हाँ देख रही हो बहन, हमारे तो अब्बा भी तोता चशम निकले। आए, आए। मैं नहीं यहाँ रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। समाजी जरा दो मिनट आपसे एक बात करनी थी। चलो चलो, तमीज नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, कितने जाहिल हो तुम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा तीन बड़े यहाँ पे खड़े एक जरूरी बहस कर रहे हैं? जाओ जाके अपनी सगी माँ के पास बैठो, और हम सुतेलों के आसपास खटका मत करो, जाओ दफा हो जाओ। देख रही हो अब अपना गुस्सा जो है बच्चों पे निकाल रही है ये। अब आप इनको छोड़ें और चलकर अम्मा को मनाएं, फिर अम्मा की मर्जी के खिलाफ खाला घर आ गई तो फजूल की किलकिल होगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ मैं नहीं ये झेल सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे पढ़ना है। अच्छा चलो चले। बाप के दुश्मन पहुंच गए हैं दोनों चुड़ैल को मनाने के लिए। 100 दफा मैंने समझाया आपके बरखुदार हैदर को कि गली में क्रिकेट ना खेलो, किसी का नुकसान हो जाएगा, लेकिन साहबजादे के कानों पे जुई नहीं रेंगती। अरे नहीं नहीं मास्टर साहब, हमारे घर में किसी के सर में जुए नहीं है, आप कभी कभार पड़ जाती है तो मैं तेल लगा के बारीक कभी मार देती हूँ। भाई जू रेंगना मुहावरा है उर्दू का, यही तो अफसोस है कि रेशम गली में उर्दू सीखने या पढ़ने लिखने का शौक किसी को नहीं। यार ये बंटी ने कहाँ फंसा दिया यार, गए बेटा गए। मास्टर साहब ले भाई
मिस्टर साहब मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लापरवाही समझता ही नहीं है। कमाल करते हैं आप भी निशाद मियां, उसकी लापरवाही से हमारा नुकसान तो हो गया ना। मिस्टर साहब कोशिश करता हूँ कि आपका नुकसान भर सकूं। चल ये भी खूब रही, एक और गलत गलती पे गलत। अरे ये नुकसान तुम्हारे बेटे ने किया है, उसका अदालत तुम क्यों करोगे भला? मैंने नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा भाई। अरे चमील भाई अच्छा हो गया आप आ गए यार। क्या हो गया? देखो मास्टर साहब है ना, देखो सामने खड़े हैं, मम्मी अब्बू को बातें सुना रहे हैं यार। क्यों? वो बड्डी नहीं है, क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग गली में, शीशा तोड़ दिया मास्टर साहब का बड्डी ने, और इतना शैतान है बल्ला मेरे हाथ में पकड़ा के खुद भाग गया। अबे यार तुमको जरूरत क्या थी बल्ला अपने हाथ में पकड़ने की? मास्टर साहब का मसला पता है क्या? मास्टर साहब की जिंदगी में रिटायर, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट, हम लोग पंचायत लगा के बैठ जाते हैं, तो टेंशन ना ले, 10 दिन में उनको डिटेन करके आता हूँ, ठीक है? पक्का ना भाई? अरे पक्का मास्टर साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। दादा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या बात है, इतने संजीदा क्यों हो गए आप लोग, कुछ हो गया क्या? अरे वो तुम्हारे नालायक दोस्त हैदर ने क्रिकेट खेलते हुए हमारे घर की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, ये काम भी हो चुका है। मास्टर साहब देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, हर शीशे की एक मुद्दत होती है, अगर वो शीशा खुद ब खुद टूट के किसी के सर पर गिर जाता तो दफा 302 के तहत आपको फांसी की सजा भी हो सकती थी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हर शीशे की चूंकि एक मुद्दत होती है, शीशा भी गया मुद्दत भी गई, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है घबराना। बावला हो गया था तो उसकी कीमत कौन अदा करेगा, उसको रिपेयर कौन करेगा? अरे मास्टर साहब क्यों टेंशन ले रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, नया लगवा देंगे ना। मेरा जो दोस्त है वो शीशे का ही तो काम करता है, फर्नीचर बेहतरीन काम करता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जितना भी शीशे का काम हुआ है वो सारा उसने किया हुआ है। एक फोन करूंगा, फोन पे आ जाएगा वो, उसके बाद जो आप बताओगे बिल्कुल वैसे शीशा लगा देगा। मैं तो कह रहा हूँ मास्टर साहब मेरी बात तो सुनो, शीशा भी आप लगवाना ऐसा जो बुलेट प्रूफ हो, मतलब बॉल तो बॉल क्या एटम बम भी लगेगा तो कुछ भी नहीं होगा। पैसे कौन देगा उसको? मास्टर साहब इधर आइए बताता हूँ, पैसे कौन मांग रहा है आपसे? कौन मांग रहा है? पैसे के बगैर कैसे लगेगा भाई? वैसे जमील ने आज हमारी बड़ी मदद की है। तू तो चुप कर, आज इस हैदर के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बस कर दे, बच्चा है, गलती हो गई है, क्या है? आज हैदर तू नहीं बचेगा मेरे हाथों, चल अंदर। यार ये पापा से कौन बचाएगा? मैं एक काम करती हूँ, अपना बोरिया बिस्तरा समेटती और चली जाती हूँ इस घर से, फिर जिसको मर्जी आए बुलाओ और यहाँ रखो मेरी बला से। तो अब क्या करें, मना कर दें उन्हें? बिल्कुल मना कर दो भाई, देख नहीं रही हो तुम घर के हालात? घर के हालात की बात तो आप छोड़ ही दें। क्यों, क्यों छोड़ दूं घर के हालात की बात? क्योंकि जिस तरह आप दांतों से पैसे को पकड़ती हैं ना, इस घर में लाखों भी आ रहे होंगे ना, तब भी हम ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे। सुन रहे हैं अपनी बेटी की बात? बीबी एक कमाने वाला है हमारा और 6 खाने वाले हैं, अगर दांतों से पैसे ना दबाऊं ना तो भीख मांगनी पड़ जाएगी। अब आप बता भी दें क्या करना है, मैं मजीद इतना वक्त जाया नहीं कर सकती। उनकी तरफ क्या देख रहे हैं, उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया। अगर आपका भी यही फैसला है तो बता दें, मैं खाला को कॉल करके मना कर देती हूँ। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं इन फजूल सी बातों पर खर्च करूँ, पढ़ना भी है मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? वोसिया। अगर कोई जमा पूंजी है तो निकाल लो। क्या मतलब, कौन सी जमा पूंजी? आप मेरी अलमारी में घुसे थे? नहीं मैं घुसा नहीं था, वो मैं तो कोई चीज तलाश कर रहा था, ऐसी नजर पड़ गई। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं, कफन में जेब नहीं होती। ये लो, शहरबानों की शादी के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रही, मगर नसीहत हो गई मुझे कि तुम जैसे कमजर्फ लोगों के लिए ना नेकी भी नहीं करनी चाहिए, इसे तो बेहतर था मैं कोई कुत्ता पाल ले, कम से कम वफादार तो रहता। करवा दी ना पाप नुस्ते। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सर फखर से बुलंद हो सके, जब करता है बचकाना हरकतें करता है। अरे वो बराबर वाला बंटी आ गया था ना, वो ले गया, उसके साथ चला गया वो क्रिकेट खेलने के लिए। यही तो कह रहा हूँ, इसकी उम्र देखो और बच्चों के साथ खेल कूद, जरा भी एहसास जिम्मेदारी नहीं है। बंटी बुला कर ले गया, एक लौता लड़का है हमारा,
कितनी उम्मीदें थी मुझे इससे, एक भी पूरी नहीं हुई। उम्मीदें? वाह भाई वाह, किस बात की उम्मीदें? अब्बू दिया क्या है आपने, किस बात की उम्मीदें आप लगा के बैठे हैं मुझसे? हैदर कमरे में जाओ। नहीं अम्मी, नहीं जाऊंगा मैं, हाई ड्यूटी करके आया हूं मैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूं, अब और क्या करूं। हाँ, तुझे पाल पोस कर इसलिए इतना बड़ा किया था कि तू मामूली स्टोरों पे नौकरियां करता थे। तो पढ़ा देते ना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, क्यों नहीं किया? पैसे थे तेरे आपके पास, आपने मुझ पे इन्वेस्ट ही क्या किया है जो मुझसे उम्मीदें लगा रहे हैं आप? ज़बान बंद कर ले, हकीकत ना बताओ, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इशान क्या हो गया आपको, आपने जवान लड़के पे हाथ उठा दिया? नहीं नहीं अम्मी, उठाने दे हाथ, मारे आप, मारे मुझे और मारे। चुप हो जा हैदर। ये मुझे नहीं मारे, अपने एहसास कमतरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, करें कोशिश आप, मारे मुझे। एहसास कमतरी क्यों होगा मुझे एहसास कमतरी, 20 साल ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट की मुलाजमत की है मैंने, इसी आपकी इसी ईमानदारी की वजह से हम आज तक रेशम गली में सड़ रहे हैं। और मिलता क्या हमें, पेंशन का एक चेक, सही लोग की लाइनों में खड़ा होकर खुआ रहे मिलता है। मेरे लिए वो भी बहुत है, पूरे ऑफिस वाले मेरी ईमानदारी मेरी शराफत को मानते थे। अच्छा वो ऑफिस वाले जो पलट कर आपको पूछते भी नहीं है? वो तो मैं खुद नहीं मिलता उनसे, कि कहीं ये ना समझने लगे कि मुझे उनसे कोई गरज ना हो। गरज आपकी इसी अनापरस्ती ने आपको आज तक आगे नहीं बढ़ने दी। तू अपनी बकवास बंद नहीं करेगा? बस कर देना, अब चुप भी हो जाए, क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? क्या जरूरत थी जबान लड़ाने की? आप फातिमा बोलो क्या हुआ है? हुस्ना बाजी, अम्मा गुस्से में दवा नहीं खा रही हैं। तो आपको पता नहीं उनकी शुगर हाई हो जाएगी? अच्छा चलो आप मुझे दवाई दो, आओ। अम्मा दुश्मनी तो हमसे है ना, दवा से तो नहीं, फिर दवा क्यों नहीं खा रहे? लाना तो भाई, कैसी सोच है तुम्हारी, मुझे किस बात की दुश्मनी तुम लोगों से? और वैसे भी मुझे दुश्मनी निकालनी होती ना तो मैं उस वक्त निकालती जिस वक्त तुम छोटी छोटी थी, उसी वक्त यतीम खाने में भिजवा देती तुम्हें। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। नहीं नहीं, ये तुम्हारे अंदर की बात थी जो जबान पर आई है। वैसे अल्लाह माफ करे, सलीम साहब की बेटियां किस कदर की ना परवर। अच्छा माँ ये बातें बाद में कर लेना, अभी दवा तो खा लो। तुम्हें काम करो, जहर ला दो मुझे। जहर भी कोई सस्ता नहीं है, और ये जो दवाइयों पे इतने पैसे आए हुए ये तो पूरे कर ले पहले। क्या मतलब, जब ये पैसे पूरे हो जाएंगे तो जहर ला दोगी? मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। सब समझती हूँ, सब समझती हूँ। ये जो बातों बातों में जहरीले जुमले बोलती हो ना तुम, ये तुम्हारी खसलत है। अच्छा अम्मा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इतनी लंबी बहस पे जाया करूँ, मुझे पढ़ना भी है, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जाओ ना, पढ़ो जाके, मेरी फिक्र किस लिए है तुम्हें? सच पूछो तो मुझे तुम्हारी नहीं अपनी ही फिक्र है, दवा नहीं खाओगे और तुम्हें कुछ हो गया तो संभालना तो हमें पड़ेगा। मत संभाल, ईदी वालों को फोन करना कि बुढ़िया मर गई है, उठा के ले जाएं। उसमें भी तो टाइम जाया होगा ना, इसलिए कह रही हूँ दवा खा लो, अपना भी वक्त बचाओ और हमारा भी। अब कुछ ना बोलना अम्मा, ये लो दवाई खाओ जल्दी से। रिश्ते जुड़े हैं जो दिलों के यूं ही रहेंगे, साथ तू जो चले। रेशम गली की हुस्ना ओ हुस्ना रानी, रेशम गली की हुस्ना। हेलो, किन सोचों में गुम हो भाई? देखो मेरी बात सुनो, उनकी चलाकियों से इम्प्रेस ना हो जाना के। आप प्लीज अभी चुप हो जाएं, घर के माहौल की वजह से मैं पहले ही पढ़ नहीं पा रही। देखो वो जो पैसे जमा कर रही थी वो कोई अपने घर से अपने मैके से तो लेके आई नहीं थी, हमारे अब्बा की कमाई थी वो। जो भी था आपा, उन्हें फिक्र तो थी ना। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और वजह से पैसे जमा कर रही हो और जब पकड़ी गई तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो शहर भानों की शादी के लिए पैसे जमा कर रही थी। वैसे एक बात तो तय कि ये जो हमारी सौतेली माँ है ना, ये है तो बड़ी तेज दिमाग की औरत। उनका मसला सिर्फ इतना है कि वो सही बात भी गलत तरीके से करती है। वो सही बात करती कब है, उनकी बातें उनके तरीके सब गलत हैं। अच्छा खैर,
मुझे थोड़ी देर में पढ़ना है, और हाँ मैं पहले बता दूं आज लाइट बंद नहीं होगी। एक सेकंड, तुम्हें पता है कि मैं अंधेरे में सोने की आदी हूँ, मुझे लाइट नहीं चाहिए। आपा लेकिन मुझे आज बहुत सारा पढ़ना है, प्लीज ट्राई करें। ठीक है, पागल हो गई। पैसे थे तेरे आपके पास? आपने मुझ पे इन्वेस्ट ही क्या किया है जो मुझसे उम्मीदें लगा रहे हैं आप? ये ज़बान बंद कर ले। हकीकत ना बताऊं? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये लो, शहरबानों की शादी के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रही, मगर नसीहत हो गई मुझे कि तुम जैसे कमजर्फ लोगों के लिए ना नेकी भी नहीं करनी चाहिए। सलाम अलैकुम भाभी। क्या काम है भाभी? काम क्या होना है, केबल के पैसे ले आई है और पिछले महीने के भी बकाया है आपके ऊपर। तो भाई मियां बुरा मत मानना, मगर जितने शरीफ साथ है तुम लगते हो ना उतने हो नहीं। देखो भाभी, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए कोई फजूल बात मत करना मुझसे। अरे तुम क्या इज्जत करोगे, हमें तो इज्जत अल्लाह ने दी है, और ये कोई फजूल बात, खुद ही देख लो केबल का किराया है 300 रुपए, 50 रुपए हर घर से तुम एक्स्ट्रा वसूलते हो। केबल की फीस तो 6 घरों में ही पूरी हो जाती है, ये बाकी पैसा कहाँ जाता है? मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, सीधे सीधे पैसे ले आओ। सलीम, सलीम, सलीम उठो, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो? उठो भाई। क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो, सारा दिन पड़ा है अभी। जाओ जाकर देखो गेट पर कौन खड़ा है। क्या हो गया, क्या मौत का फरिश्ता आ गया, कौन सी ऐसी आफत खड़ी है वहां पे? इरशाद खांचेबाज आया है और केबल के पैसे मांग रहा है, और इतनी बदतमीजी की है ना उसने मेरे साथ। क्या क्या कहा उसने? वाह वाह, यही खड़े खड़े तुम्हें सब बता दूं। क्या पता तो चले किस लेवल की बदतमीजी की है उसने। लड़ाका उड़ती की तरह मुझे ताने मार रहा है, कहते 3 महीने से तुमने केबल के पैसे नहीं दिए, और जरा मैंने क्या हिसाब किताब पूछा था उसको आग ही लग गई है, आग बदोला हुआ जा रहा है। कह रहा कंजूस हो, केबल के पैसे दे दिया करो। अच्छा मुझे कंजूस कहा उसने, अबे पूछता हूँ क्या नाम है उसका? इरशाद खान के पास। हाँ अबे इरशाद, अबे इरशाद तेरी ये जुरत को ना मुझे बस बहुत हो गया, अब तो मैंने इनकी लाइन ही काट देनी है इससे सही। अबे अब बोल बोल, क्या मसला तेरा, अबे बोल ना। क्या बात है, आराम से, क्या हो गया है? अबे घर की औरतों से बदतमीजी करेगा तू, रेशम गली में रहना तूने कि नहीं? गिरेबान से हाथ हटाओ, और रेशम गली किसी के बाप की नहीं है, और घर की औरतों से किसने बदतमीजी की है? अबे तूने की है, क्या नाम है तेरा, इरशाद खांचेबाज, तूने? जाके पूछो किसने बदतमीजी की है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, समझा? हाँ सलीम, इसने बहुत बातें सुनाई है मुझे केबल के पैसों पर। बोल बोल बोल। हाँ तो केबल के पैसे दे दो ना, केबल के पैसे ना मांगू, केबल इस्तेमाल करते हो तो पैसे भी दिया करो, कंजूस। मुंह पे कंजूस क्या दिया तूने मुझे? क्यों क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? अपने बाप से पूछो, केबल के पैसे लेने आया और बातें सुना रहा है, कोई गैरतमंद आदमी बर्दाश्त करता है ये बात? आज तो मैं पैसे लेके जाऊंगा वरना इनका कनेक्शन काट दूंगा। अबे क्या नाम है तेरा इरशाद, अगर तू ये धमकी दे रहा ना, अबे ना तो तू पैसे ले सकेगा और ना ही तेरे बड़े केबल काट सकेंगे। पैसे तो तेरे अच्छे खाबी देंगे। अबे अंधी लगी है क्या? हाँ अंधी लगी है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों, जिस तरह रेशम गली के कुत्ते भी नहीं लड़ते,
तुम लोग वैसे लड़ रहे हो यहाँ पे। सोचा था घर आकर सो जाऊंगी, आराम करना तो मेरे नसीब में ही नहीं, तो आप आराम कर लेना, देखें ये सब तो यहाँ चलता ही रहेगा। तुम वो छोड़ो, मुझे बताओ कि उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद, हाँ, उसके बाद मास्टर साहब ने सबको डांटा, और आपको पता है अभी ये सब मास्टर साहब के आए, वहां मीटिंग चल रही है, मैं जाकर देखती हूँ। हैदर, क्या हुआ है? होना क्या, तुम्हारी सौतेली अम्मा है ना, उन्होंने मेरे सगे बाप से बदतमीजी की है। मैंने तो उल्टा सुना है कि तुम्हारे सगे बाप ने केबल की फीस मांगते हुए बदतमीजी की है। गलत सुना। अरे मेरे अबू ने सिर्फ इतना कहा था कि 2-3 महीने की केबल की फीस है वो दे दो, तुम्हारी अम्मा ने सुनते ही वो भोराम खड़ा कर दिया, वो भोराम खड़ा कर दिया, और पीछे से सलीम भाई पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह दौड़ते हुए और मेरे अबू से लड़ पड़े। मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आई हूँ। ये बताओ कि मास्टर साहब के घर में क्या हो रहा है? वो मास्टर साहब सबकी क्लास ले रहे हैं अभी। अब देखो जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि ऊंट किसके सर पे बैठा है। तुम ऐसा करो, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, जाओ। अच्छा सुनो, तुमने कल वो फोटोकॉपी के पैसे क्यों नहीं लिए? तुम्हें पता चल गई बात? जाहिर है, मैंने घर जाके गिने तो वो तो पूरे 100 रुपए थे। हाँ, लेकिन अब 60-70 रुपए के लिए मैं क्या तुम्हें तुमसे पैसे काटता? मुझे भी कोई शौक नहीं है सिर्फ मुफ्त में काम करवाने का। उसना, लेकिन मुझे तुम्हारे काम आना अच्छा लगता है। क्या मतलब? खुदा की, अगर तुम रेशम गली में नहीं होती ना, तो मैं कब का इस रेशम गली को लानत देकर यहाँ से जा चुका हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उसे फ्लर्ट कर रहे हो? रेशम गली की उस